Okay, hello everyone, welcome back to a new video, welcome back to Cluster Zayat, welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will start part 2 of organic nomenclature. इससे पहले मेरी एक वीडियो आई हुई है, वो पार्ट 1 है ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर्स के बारे में. तो आज हमने स्टार्ट करना है पार्ट 2 ऑफ ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर. पार्ट 2 देखने से पहले जो पार्ट 1 वीडियो है वो ज़रूर आप लोग देखें. अगर किसी ने नहीं देखा है पहले वो देख लें, फिर उसके बाद आपने पार्ट 2 देखना है. पार्ट 2 में जस्ट हमने डिस्कस करना है, ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाऊँगा, जस्ट हमने डिस्कस करना है प्रायोरिटी लिस्ट. पार्ट 2 में जस्ट हमने प्रायोरिटी लिस्ट डिस्कस करना है. लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉमेनक्लेचर, कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने के लिए प्रायोरिटी लिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है. प्रायोरिटी लिस्ट किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रायोरिटी लिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है. देखिए, मैंने आप लोगों को कहा था कि ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी कंपाउंड्स में दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए. एक सपोज एल्डिहाइड आया, दूसरा सपोज कीटोन आया. फिर पेरेंट तो हमेशा एक ही होता है, तो फिर आप कंफ्यूज होंगे कि मैं अब किसको एज अ पेरेंट सजेस्ट कर दूं. आया पेरेंट एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लूं या कीटोन फंक्शनल ग्रुप लूं. तो अगर आपके पास प्रायोरिटी लिस्ट है, एक दो दफ़ा अगर आप वो चेक कर ले तो आपको याद हो जाएंगे कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है. तो जिसकी प्रायोरिटी एल्डिहाइड कीटोन में ज़्यादा है वही फंक्शन ग्रुप पेरेंट लेना है. एल्डिहाइड कीटोन में एल्डिहाइड की जो प्रायोरिटी है वो कीटोन से ज़्यादा है, तो हमेशा हम एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप को प्रायोरिटी पे लेंगे, इज अ फंक्शन ग्रुप इज अ पेरेंट लेंगे, कीटोन नहीं, वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा. बात समझ आ रही है ना? तो इसी के लिए प्रायोरिटी लिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है. और दूसरा क्वेश्चन कि चलो सर ठीक है, एल्डिहाइड को तो हमने एज अ पेरेंट ले लिया, एज अ फंक्शन ग्रुप ऑफ द पेरेंट, लेकिन पेरेंट का तो सफिक्स होना चाहिए, सफिक्स होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जी एल्डिहाइड पेरेंट का सफिक्स क्या है? जैसे कि एल्केन के सफिक्स में हमने एन ई लगाना, एल्डिहाइड के सफिक्स में क्या लगाएंगे? तो अगर आपके पास प्रायोरिटी लिस्ट है तो उधर आपको हर फंक्शन ग्रुप सफिक्स भी मिल जाता है. इसी तरह जो सब्स्टिट्यूएंट है, जैसा कि कीटोन सब्स्टिट्यूएंट हुआ, तो कीटोन का सब्स्टिट्यूएंट का तो प्रीफिक्स होता है, तो फिर आप कहेंगे सर मुझे कैसे पता चलेगा कि जी कीटोन का क्या प्रीफिक्स है? तो अगर आपके पास प्रायोरिटी लिस्ट है तो वहाँ सब्स्टिट्यूएंट का प्रीफिक्स भी होता है. तो कहने का मेरा मतलब है कि मुख्तलिफ जितनी भी डिफरेंट फंक्शन ग्रुप है वो किस ऑर्डर पर हैं, सबका अपना अपना ऑर्डर है. और दूसरी बात कि पेरेंट का जो सफिक्स होता है, पेरेंट का जो सब्स्टिट्यूएंट का जो प्रीफिक्स होता है, सारा इस लिस्ट में अवेलेबल है. तो इसलिए ये लिस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है. इस लिस्ट को ज़रूर याद रखें, इतना मुश्किल नहीं है, 5-10 मिनट लगेंगे पूरे लिस्ट को याद करने में. अगर आपको ये लिस्ट याद हुआ तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देना बहुत आसान हो जाएगा. सो आए ज़रा जाते हैं प्रायोरिटी लिस्ट पे. याद रखना, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस फंक्शनल ग्रुप की है, दैट इज कार्बोक्सैलिक एसिड, वो है कार्बोक्सैलिक एसिड. साथ में फंक्शनल ग्रुप भी लिखता हूँ, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सैलिक एसिड COOH. मतलब सबसे टॉप पे जो फंक्शनल ग्रुप है प्रायोरिटी लिस्ट में वो कार्बोक्सिलिक एसिड है. देखिए, ये जो लिस्ट मैं अभी बना रहा हूँ ये डिक्रीजिंग ऑर्डर पे,
डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है कि नीचे जो फंक्शनल ग्रुप लिखूंगा उसकी प्रायोरिटी कम होती जाएगी, कम 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 डिक्रीजिंग ऑर्डर पे है, तो जो ऊपर होगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, नीचे होगा उसकी प्रायोरिटी कम होगी। सेकंड नंबर पे जो फंक्शनल ग्रुप है, वैसे तो एक और है लेकिन हमारे कोर्स में हम जो फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैं उसके मुताबिक जाता हूँ, दैट इज ईस्टर। हमारा जो सेकंड है दैट इज ईस्टर, एंड द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईस्टर इज सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ आर। पता है ना, फंक्शनल ग्रुप मस्ट याद होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे जो प्रायोरिटी लिस्ट में है, तीसरे नंबर पे प्रायोरिटी लिस्ट में जो है दैट इज एसिड हैलाइड, एंड द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिड हैलाइड क्या है कि अगर कार्बोनिल कार्बन के एक साइड पे हैलोजन आ जाए उसको हम एसिड हैलाइड कहते हैं। हैलोजन मींस फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, मतलब जो सेवन ग्रुप के हैं। फोर्थ नंबर पे है नाइट्रोइल, क्या है नाइट्रोइल, एंड द फंक्शनल ग्रुप ऑफ नाइट्रोइल यू नो जिसमें सी एन आ जाए उसको नाइट्रोइल बोलते हैं। सबसे टॉप पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, देन ईस्टर, देन एसिड हैलाइड, एंड देन नाइट्रोइल। आई एम सॉरी, लेकिन नाइट्रोइल से पहले एमाइड है, एमाइड। एमाइड क्या होता है, कार्बन के एक साइड पे NH2, दैट इज एमाइड। हाँ, पांचवें नंबर पे नाइट्रोइल है, नाइट्रोइल, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ नाइट्रोइल। और छठे नंबर पे प्रायोरिटी लिस्ट में पांचवें पे एमाइड है, फिर नाइट्रोइल है, देन एल्डिहाइड। सातवें नंबर पे कीटोन, नज़र आ रहा है नीचे। एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोनिल कार्बन के एक साइड पे कार्बन हो, या किसी कोई भी कार्बन ना हो। कीटोन क्या है, अगर कार्बोनिल के दोनों साइड पे कार्बन हो, दैट इज नंबर सेवन। नज़र आ रहा है, नीचे बना दूँ या उधर, एक मिनट मैं ज़रा चेक करता हूँ। ओके आ रहा है, आठवें नंबर पे अल्कोहल है और नौवें नंबर पे थायोल है, इधर ही लिखता हूँ बाकी। और टेन नंबर पे अमाइन कर दें, 11 पे अल्कीन, अल्काइन, अल्केन एंड अल्काइल हैलाइड सपोज, और ये काफ़ी है, 14 फंक्शनल ग्रुप हो गए। देखें हमारे कोर्स में जो फंक्शनल ग्रुप है हम बस यही है। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH। और थायोल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, सल्फर के एक साइड पे H। अमाइन का फंक्शनल ग्रुप क्या है, दैट इज किसी R के साथ NH2 का होना। अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, अल्केन सिंगल बॉन्ड, एंड अल्काइल हैलाइड आर के साथ हैलोजन्स होना। देखिए इसाइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड में क्या फ़र्क है, हैलोजन विथ कार्बोनिल कार्बन, हैलोजन विथ सिंपल कार्बन। अमाइड अमाइन में क्या फ़र्क है, NH2 विथ सिंपल कार्बन बट NH2 विथ कार्बोनिल कार्बन। सो ये वो फंक्शनल ग्रुप है जिसकी प्रायोरिटी जो है डिक्रीज हो रही है। तो सबसे टॉप पे कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन ईस्टर,
जो ही आप नीचे आएंगे प्रायोरिटी कम होगी। तो एल्डिहाइड कीटोन में प्रायोरिटी किसके ज़्यादा है, कौन टॉप पे है? एल्डिहाइड प्रायोरिटी ग्रेटर देन कीटोन, कीटोन ग्रेटर देन अल्कोहल, अल्कोहल ग्रेटर देन अल्काइल हैलाइड। इसी तरह आपको ये लिस्ट याद होना चाहिए, ये है प्रायोरिटी लिस्ट जो डिक्रीजिंग ऑर्डर पर बना है। बात समझ आ रही है ना? अब हर फंक्शनल ग्रुप जो है एज ए सब्स्टिट्यूएंट भी आ सकता है, ये लेकिन फंक्शनल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट भी आ सकता है और एज अ पैरेंट भी आ सकता है। अगर एज अ सब्स्टिट्यूएंट आया तो हमने क्या करना है, उसका प्रीफिक्स लिखना है, प्रीफिक्स। अगर पैरेंट आया तो उसका सफिक्स लिखना होगा। तो आए देखते हैं कि हर फंक्शनल ग्रुप का क्या प्रीफिक्स और क्या सफिक्स है। कार्बोक्सिलिक एसिड कभी भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट नहीं आएगा, ऑलवेज पैरेंट आएगा, तो इसका सफिक्स होगा ओवेक एसिड। ईस्टर भी चल हमारे कोर्स में नहीं आएगा, एज अ पैरेंट आएगा तो सफिक्स ओवेट लिखना है, नहीं आएगा। चलो इसाइल हैलाइड जो है नहीं आएगा, एज अ पैरेंट आएगा तो सफिक्स ऑयल हैलाइड, ये इसका सफिक्स लिखना होगा। एमाइड नहीं आएगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट हमारे कोर्स में, एज अ पैरेंट आए तो एमाइड ही लिखना। नाइट्राइल सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे आएगा, जब भी नाइट्राइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट आए सी एन दैट इज कॉल्ड सयानो। और अगर एज अ पैरेंट आया तो फिर यही लिखना, दैट इज नाइट्राइल। एल्डिहाइड अगर एज अ सब्स्टिट्यूएंट आया ऑक्सो, और अगर पैरेंट आया तो सफिक्स ए एल। कीटोन का भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट ऑक्सो, अगर एज अ पैरेंट आया तो सफिक्स इज ओ एन ई। अल्कोहल का हाइड्रोक्सी, और अगर एज अ फंक्शनल ग्रुप पैरेंट आया सो दैट इज ओ एल ए एल एंड दैट इज ओ एल। थायो अगर एज अ सब्स्टिट्यूएंट आया, नहीं आएगा हमारे कोर्स में, एज अ पैरेंट आएगा सो थायोल ही लिखना, थायोल। और अमाइन जो है अगर एज अ सब्स्टिट्यूएंट आया तो फिर आपने इसको अमाइनो लिखना, अमाइनो, और पैरेंट आया तो आपने इसको अमाइन लिखना, ओ से ख़त्म करना है, अमाइनो ई। एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स एज अ पेरेंट्स सफिक्स। बात समझ आ रही है ना? अल्कीन अगर एज अ सब्स्टिट्यूएंट आया तो हमने क्या लिखना है इसके प्रीफिक्स में, यही लिखना है ईएनए, और फंक्शनल ग्रुप में भी ई एन ए, वाई एन ए, वाई एन ए, ए एन ए, ए एन ए। और लास्ट अल्काइल हैलाइड अगर आया तो आपने एज अ सब्स्टिट्यूएंट आया तो प्रीफिक्स क्या लिखना है, हेलो, हेलो। और अगर पैरेंट आया तो सफिक्स भी क्या लिखना है आपने अल्काइल हैलाइड का, अल्काइल हैलाइड ही लिखना है। सो दैट इज ऑल अबाउट प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नोमेनक्लेचर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लिस्ट आपको याद होना चाहिए, ये लिस्ट आपको याद होना चाहिए। इसमें कितने फंक्शन ग्रुप मैंने लिखे हैं, 1 to 14, और इसी और किस ऑर्डर पे ये है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। ऊपर वाला जो होगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है नीचे वाले से, सो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे है नंबर वन। अब आपको वो कन्फ्यूजन नहीं होगी कि अगर दो फंक्शन ग्रुप आ गए तो आपने पेरेंट कौन सा लेना है और सब्स्टिट्यूएंट कौन सा लेना है। तो इस लिस्ट में जो टॉप पे है वो पेरेंट है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है।
सपोज दो फंक्शन ग्रुप आ गए, एक एमाइड आ गया दूसरा अल्कोहल आया, तो आपने पेरेंट कौन सा लेना है? एमाइड, अल्कोहल इज अ सब्सिट्यूएंट। फिर जब अल्कोहल इज अ सब्सिट्यूएंट लेना है तो सब्सिट्यूएंट का प्रीफिक्स होता है, मैंने बताया था, तो आपने अल्कोहल के लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज करना है? हाइड्रोक्सी। एमाइड अगर इज अ फंक्शनल ग्रुप आया है, पेरेंट आया है, तो इसके लिए आपने वर्ड सफिक्स कौन सा यूज करना है? एमाइड। ये नेक्स्ट आपको पता चल जाएगा किस तरह। तो इस लिस्ट में एक तो आपको प्रायोरिटी का पता चल जाता है जी, आपने कौन से फंक्शन ग्रुप सजेस्ट करना है दो में से, किसको पेरेंट बनाना है, किसको सब्सिट्यूएंट बनाना है, और साथ ये भी बता रहा है ये लिस्ट कि अगर किसी को पेरेंट बनाना है तो उसका सफिक्स चाहिए, अगर सब्सिट्यूएंट बनाना है तो उसका प्रीफिक्स चाहिए। तो हर फंक्शन ग्रुप का सफिक्स क्या है अगर पेरेंट आया, एज अ पेरेंट आया, प्रीफिक्स क्या है अगर एज अ सब्सिट्यूएंट आया, तो वो भी साथ लिखा हुआ है। तो जल्दी से इस स्क्रीनशॉट ले ले और नेक्स्ट वीडियो तक ये लिस्ट हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमने पार्ट 3 जब मैं बनाऊंगा ऑनलाइन वीडियो लेक्चर, तो उसमें जो है ना हमें इस लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आपने उधर ये नहीं कहना कि आप सर क्या कह रहा है हाँ ये वो, तो लिस्ट आपने पास रखना, ये कॉपी पे नोट कर दे, एक पेज पे नोट कर दे। तीसरा जो वीडियो मेरा आने वाला है उसमें ये लिस्ट अपने पास रखे, वो कॉपी पेज जो आपने लिखा हुआ है नोट किया हुआ अपने पास रखे। तीसरे पार्ट वीडियो के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन दैट इज़ ऑल अबाउट प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और चलते चलते मेरा जो अपना यूट्यूब चैनल है जाहिद केमिस्ट ट्रिपल सी के नाम से, वो ज़रूर सब्सक्राइब करके शेयर कर लें दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और जो भी क्वेश्चन हो, जो भी सजेशन देना हो, कमेंट सेक्शन में जाके आप ज़रूर फीडबैक दें। और हमारी कोशिश होगी कि जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसका जवाब उधर ही मिल जाए। अक्सर लोग मैंने देखे हैं वो पर्सनल नंबर से व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ उधर ही पूछें। उसकी एक रीज़न है, रीज़न ये है कि सपोज अगर आप पर्सनल व्हाट्सएप पे पूछें मैं आंसर दे दूँगा, लेकिन वो सिर्फ मेरे और आपके दरमियान रहेगा। देखिए आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में अगर हो जाए तो लोग उधर पढ़ सकते हैं, आप मुझे कर दिया व्हाट्सएप पे तो वो तो लोग नहीं पढ़ सकते आपको क्या क्वेश्चन है क्या राय है। अगर कमेंट सेक्शन में करोगे तो सारी बात है हर बंदा उधर पढ़ सकता है, तो आपके क्वेश्चन से भी लोग सीख सकते हैं, और सारी बात है जब उसका रिप्लाई हम देंगे तो उधर रिप्लाई भी लोग देखे, उधर से भी लोग और सीखेंगे। तो इसी वजह से हम बार बार यही फोर्स करते हैं कि जो भी क्वेश्चन हो पर्सन कॉन्टैक्ट नंबर ना किया करें, कमेंट सेक्शन में किया करें। सो ज़रूर फीडबैक दें अगर आपने कोई नई चीज़ सीखी है, और हमारी कोशिश होगी कि इसी तरह आप लोगों को घर बैठ के ऑनलाइन क्लासेस एक अच्छे तरीके से हम मैनेज कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।